हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो ये मैंने कुछ तैयारी कर रखी थी और आप सबका वेलकम है एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो बस मैंने पूरी बेसिक तैयारी जो भी थी करके रखी। तो ये आलू है, सरसों, जीरा और सिमई है, ये रोस्टेड मूंगफली का दाना, हरी मिर्च और टमाटर, अदरक को नहीं लिया मैंने, और ये प्याज चॉप कर रखी है, ये हैं कुछ काजू और किशमिश, चिरौंजी। तो ये सब सामान मैंने ले रखा था और मुझे बनाना है नाश्ता। और मुझे लगी है बड़ी जोर की भूख क्योंकि बज गए हैं 12, अभी मैंने कुछ खाया नहीं। और इससे पहले कि मैं बनाना स्टार्ट करती, सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो मैं पहले वही चेंज करूं और उसके बाद आगे करूंगी, क्योंकि बिना सिलेंडर के तो कुछ हो नहीं सकता। तो बस मैंने एक तरफ पानी उबलने रख दिया, दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल डाल के और गैस ऑन कर दी फुल पे, और इसको आलू को हम झटपट से फ्राई कर लेंगे और बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी टेस्टी लगती है नमकीन सिवई। लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए शेयर कर रही हूँ। एक दो बार पहले भी मैंने की है तो वो वेजिटेबल वाली थी, और अब आज मैंने वेजिटेबल तो कुछ नहीं डाला, लेकिन थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट डाले थे और डाला था मूँगफली का दाना, और ये सब चीज़ें डाल के भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी फ्राई होने तक। और अब की बार पता नहीं तेल में क्या कमी है, ये तेल ना झाग ही देता रहता है हमेशा और गर्म हो जाता है। फिर भी आलू तो गोल्डन हो चुके हैं लेकिन इसका झाग खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कैसा तेल है ये। और उसके बाद मैं मूंगफली रोस्ट कर लूँगी। आप चाहो तो कुकिंग ऑयल में बना सकते हो, लेकिन मैं कुकिंग ऑयल बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जो रिफाइंड वगैरह रहता है और भी उतना रहता नहीं है क्योंकि मार्केट से खरीद के लाते हैं हम लोग। तो मूंगफली भी निकाल ली थी, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट थे, और इसमें ना मिक्स ड्राई फ्रूट थे जैसे कि किशमिश, खरबूजे के बीज और काजू, चिरौंजी, 4-5 चीज़ें थी। तो थोड़े थोड़ा मैंने वो भी सब कुछ ऐड करके और रोस्ट कर लिए थे और निकाल ली, एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद इसको मैं ना ऑयल को कम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा था, और ये अच्छे से भुन के रेडी है। आप चाहो तो इन सब चीज़ों में चाट मसाला डाल के ऐसे भी खा सकते हो, जैसे कि मूँगफली का दाना, आलू और ये जो ड्राई फ्रूट, ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने जीरा और राई डाल दी थी, और डाल दिया था चॉप करा हुआ प्याज, जो कि मैंने एक ही प्याज लिया था, थोड़ा बड़े साइज का था तो एक पर्याप्त होगा, काफ़ी होगा। और उसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी अच्छे से, और भूनने के बाद इसमें करूँगी टमाटर ऐड, जो कि मैं काट के रखी हूँ पहले से ही, आपको दिखाया था हरी मिर्च और टमाटर। और उसके बाद गैस कर दूंगी कम, और मुझे इसमें पानी नहीं डालना है, मसाला केवल टमाटर में ही पकाना है। तो सबसे पहले डालते हैं नमक, नमक डालते ही टमाटर एकदम गल जाता है और हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले नमक डालती हूँ। और नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च काट रखी है, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, वही रेगुलर मसाले ही जाएंगे जो कि हम सब्जी में यूज करते हैं। उसके बाद इसको मैं भून दूंगी तेल ऊपर आने तक, लगभग 3-4 मिनट लग जाएंगे इसे भूनने में। मसाला भूनने में जितना टाइम लेता है उतना ही अच्छा टेस्टी जो भी हम बनाते हैं वो बनता है, कोई भी चीज़ सही चाहे। और ये भून के एकदम रेडी है, उसके बाद मैं इसमें सिमई ऐड कर दूंगी, और ये मार्केट वाली हैं रोस्टेड, आप चाहो तो घर वाली ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, लेकिन इस बार मेरे यहाँ ख़त्म हो गई हैं, नहीं तो मार्केट से ही आती हैं। तो उसके बाद ये जो मैंने रोस्ट करके रखी सब चीज़ें वो डाल दी हैं, और इसको मैं एक अच्छे से अलट पलट के चला दूंगी। चलाने के बाद मैंने इसमें जो पानी बॉईल करके रखा है, एक पैन कम से कम ये होगा 1 लीटर का तो है, कुछ कम 1 लीटर आता है इसमें, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के देख रही कभी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो एकदम गली हुई अच्छी नहीं लगती है हमें, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मतलब 1-1.5 इंच ऊपर हो जाना चाहिए पानी, तब अच्छी बनती है, और ज़्यादा ड्राई भी अच्छी नहीं लगती है और ज़्यादा गली हुई भी अच्छी नहीं लगती है। तो लगभग ये 1 लीटर पानी आता है इस पैन में, थोड़ा कम आता है 2-4 मतलब ml, ज़्यादा कम नहीं आता, और मैंने पूरा डाल दिया है 1 लीटर पानी। और ये उबला पानी था, पहले से ही मैंने गर्म कर रखा था क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाता है और बन के रेडी है, तो मैंने धनिया ऐड कर दिया, और देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा टेस्टी था, क्योंकि सबसे पहले मैं और मनी
दोनों खाए थे गर्मा गर्म। और उसके बाद मैं अपनी छान लूँगी चाय। चाय छानने के बाद और बस प्लेटिंग के लिए तैयार है। हेलो गाइस, राधे राधे। तो मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर करी वो बन के एकदम रेडी है, नमकीन जवे की, और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो अब मैं खाने के लिए निकाल लेती हूँ और कर लेती हूँ प्लेटिंग। आप चाहें तो जिस चीज़ के साथ खाना, सॉस, चटनी या फिर दही। तो मैंने तो ले ली है चाय, क्योंकि मुझे तो नाश्ता करना है। और एक खीरा काट लिया है, एक नींबू काट लिया है। आप चाहें तो आपकी मनपसंद जो चीज हो खा सकते हो। बनके एकदम रेडी है, काफी अच्छा लग रहा है। तो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।